नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल के अलवर व रेवाड़ी जंक्शन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी की रेलगाड़ी व स्टेशन कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉक्टर हीना अरोड़ा व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुकेश सैनी की मौजूदगी में किया गया। आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अवतार सिंह तूर ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आजादी की रेलगाड़ी व स्टेशन कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को रेवाड़ी जंक्शन पर किया गया। आजादी के 75 साल पूरा होने पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सोमवार को रेवाड़ी जंक्शन पर रेवाड़ी शहर के कुतुबपुर निवासी विद्या देवी व शहबाजपुर खालसा निवासी धर्मो देवी को रेल विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया गया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के अलावा पौधारोपण जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अब आपको सुनाते हैं कि रेलवे अर्थात आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अवतार सिंह तूर ने पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो रेलवे की तरफ से जो है मनाया जा रहा है। विशेषकर आज 18 से 23 जुलाई तक आइकॉनिक वीक के नाम से एक जो है आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आज पहला दिन जयपुर मंडल में 3 स्टेशन चुने गए थे, जिसमें अलवर, जयपुर और रेवाड़ी में ये कार्यक्रम था। और हमारे इस रेवाड़ी के आज के कार्यक्रम में एक मेन ये था कि हमारे देश के आज़ादी के समय के जो है स्वाधीनता दिवस जो थे उनकी वाइफ्स को और उनकी आश्रितों को सम्मानित करने का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें श्रीमती विद्या देवी वाइफ ऑफ श्री डूंगरमल खटक, जिनकी उम्र करीब 93 वर्ष थी और निवासी गांव कुतुबपुर रेवाड़ी हरियाणा, और श्रीमती धर्मो देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राम स्वरूप उम्र 80 वर्ष निवासी शहबाजपुर खालसा रेवाड़ी को बुला करके रेलवे की तरफ से सम्मानित किया गया और उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। ये 75वां जो स्वाधीनता आज़ादी दिवस हम लोग मनाएंगे उसी के उपलक्ष्य में ये लगभग एक महीने से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। खासकर आरपीएफ में भी हम लोग जो है विशेषकर जल सेवा प्लांटेशन का कार्य कर रहे हैं और एक बाइक रैली भी हमने निकाली है जो जयपुर मंडल के NWR में 75 स्टेशनों को कवर करेगी। उसके बाद में एक डिजिटल वैन आएगा, उसके साथ हमारा आरपीएफ का बैंड भी आएगा, उसका प्रोग्राम भी है। वो सब 75 स्टेशनों को कवर करते हुए जो है ये पहले दिल्ली में और दिल्ली से फिर जलियांवाला बाग नॉर्दर्न बाग का जो जाएगी रैली और वहाँ से फिर दोबारा दिल्ली आएगी। इस तरह ये इस बार जो 75वां जो हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में उसी के क्रम में ये प्रोग्राम रेलवे की तरफ से आयोजित किया जाए।